हेलो एंड वेलकम, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं टुडेज, जहां पे आपका होता है फिल्मी दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। अब खांस की खैर नहीं, दहाड़ने आ गए हैं सनी देओल। आज हम अपने सनी देओल जी, जो काफी ज्यादा इंडस्ट्री के जाने माने इंसान हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे, और जिसे एक्शन हीरो कहा जाता है, जिन्होंने अपने एक्शन से दर्शकों का मन मोह लिया है। सनी देओल भी एक्शन फिल्मों के लिए ही बने हैं। जब वे सिंह की तरह दहाड़ते हैं तो सिनेमाज में सन्नाटा छा जाता है। जब वे गुंडों की धुलाई करते हैं तो दर्शक के हाथ पैर चलाने लगते हैं, उत्साह में आकर सिनेमाज की सीट फाड़ देते हैं। और ये है सनी देओल का जादू, उनके एक्शन का जादू। इसी कारण सनी ने हीरो के रूप में लंबी पारी खेली और धमाकेदार एक्शन से हर बार विलन को मात दी है। जैसे कि हम जानते हैं कि 1993 में आई फिल्म दामिनी सनी देओल मीनाक्षी की बेहतरीन फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस की, अब एक बार फिर से फिल्म के रीमेक को लेकर चर्चा शुरू हो गई है, जिसे खुद सनी देओल बनाने का विचार कर रहे हैं। हालांकि इसके जो ऑफिशियल राइट्स हैं, वो शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के पास हैं, जो उन्होंने अब सनी को सौंप दिए हैं। ताज़ा रिपोर्ट्स की माने तो, जैसे कि आप जानते हैं कि शाहरुख की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज ने कुछ समय पहले ही फिल्म के प्रोड्यूसर्स एली को और करीम ओरानी से फिल्म के राइट्स खरीदे थे। हालांकि जब शाहरुख खान को पता चला कि सनी देओल दामिनी फिल्म का जो रीमेक बनाने चाहते हैं, तो उन्होंने लॉकडाउन से कुछ दिन पहले ही सनी के जूहू में स्थित घर में जाकर उन्हें खुद इस फिल्म के राइट्स दे दिए। शाहरुख खान का सनी के पास जाना हर किसी को हैरान कर रहा है, क्योंकि इसके बीच काफी समय इन दोनों के बीच में बातचीत जो है वो बंद है। बता दें कि फिल्म में सनी देओल ही नहीं बल्कि मीनाक्षी, ऋषि कपूर, अमरीश पुरी जैसे सितारे भी नजर आए थे, और दर्शकों का दिल भी जीता था इन सितारों ने। राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बनी फिल्म दामिनी ने ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़े थे, बल्कि इस फिल्म के डायलॉग्स भी आज भी लोगों की जुबान से सुनने को मिल जाएंगे। इस फिल्म के लिए सनी देओल को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। बता दें कि सनी देओल प्रमुख एक्शन फिल्में अर्जुन, घायल, घातक और बहुत सारी फिल्म्स में नजर आ चुके हैं, और काफी ज्यादा फिल्म्स उनकी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित रही है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर आपको भी इसके सीक्वल का वेट है, इसके पार्ट टू का वेट है, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।